इस ब्लॉग में मैं अपना रूम को चेंज कर रहा हूँ, तो उसी के ऊपर ये ब्लॉग है। तो रूम चेंज करने का मतलब मेन मोटिव ये है कि ये फोर्थ फ्लोर पर है और सबसे ऊपर लास्ट फ्लोर पे है, तो गर्मी भी ज़्यादा लगती है। और फिर वाटर कूलर भी मतलब सेकेंड फ्लोर पे है, तो जाना आना पानी भरना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और मेन कारण ये भी है कि इसमें अटैच बाथरूम नहीं है, कॉमन कॉमन वॉशरूम है, तो प्रॉब्लम हो जाता है। ये बगल में साइड में यहाँ गेट के बाहर वॉशरूम है वहाँ पे, और ये फोर्थ फ्लोर पे हमें अभी, तो दिखाते हैं आपको। देखिए नीचे से फोर्थ फ्लोर पे हैं, तो लिफ्ट भी नहीं लगा हुआ है, तो चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम हो जाता है। ये रहा अपना न्यू रूम। यहाँ पर एक कबर्ड दिया है, उधर एक रेक टाइप का बना हुआ है, स्टडी टेबल वहाँ है, ये वॉशरूम हो गया और एक बेड हो गया। बस इतने सारे सामान मुझे लाने पड़े, तो दो चार तो बैग ही हो गए, दो चार झोले हो गए, और इस कवर में कपड़े वपड़े दिया गया है। और वो रैक जो था उस रैक में अपना सामान रखना है। और कूलर लगा हुआ है, वैसे तो कूलर मैं चलाता नहीं हूँ, हैंड से ही गुजारा हो जाता है, तो कूलर नहीं चलाना पड़ता। और ये रहा वॉशरूम, इसमें अब सही है, मतलब अटैच है, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और सारा सामान मेरा अरेंज हो गया है, देख सकते हो। ये कुछ चीज़ें बच गई हैं, मैं थक बहुत ज़्यादा गया था, तो इसी वजह से अरेंज नहीं हो पाया था तभी, तो अरेंज हो गया है सारा। और इधर अपना लाइट वाइट का दिया गया है। फिर मैंने सोचा सब कुछ जब अरेंज हो ही गया है, तो थोड़ा सा पढ़ भी लिया जाए। तो मैंने जल्दी जल्दी ये केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन चालू कर दिया और फिर अरेंज कर लिया सारे टेबल के सामान को। उसके बाद फिर मतलब रिवीजन स्टार्ट कर दिया, और रिवीजन करते करते शाम हो गए। बट इसमें दिखेगा नहीं, क्योंकि बाहर लाइट अंदर लाइट ही जलता है, तो हमेशा अंदर दिन ही रहता है। रूम में रहने के बाद पता ही नहीं चलेगा आपको कि दिन हो रहा है या रात। केमिकल काइनेटिक्स मैंने ऑनलाइन पढ़ा था एलन के ही लेक्चर से, वो तो पता ही आप लोगों को कहाँ पर मिल जाता है, सारा कुछ कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, तो वहाँ से मैंने पढ़ लिया था, तो जस्ट उसी को रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं रिवीजन के बाद। सॉल्व करने लगा रफ कॉपी में,
क्योंकि न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आता है, फिर रिवीजन नहीं हो पाता है। तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स फिजिकल के सॉल्व किए। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो मैं एफर्ट करूँगा आगे से अच्छे बनाने का। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। फर्स्ट टाइम